हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया कौर. वेलकम टू अवर वीडियो. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपने कोई इमोशंस थॉट को होल्ड करके रखा है तो आप किस तरह का बिहेवियर करते हैं. समटाइम ऐसा होता है कि यदि हमने नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं तो हमारी बॉडी में पॉइजन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो अच्छे से काम नहीं करते. यदि हम उस इमोशंस को रिलीज कर दें तो जो हमारी बॉडी के फंक्शन है बहुत अच्छे से काम करने शुरू हो जाते हैं. तो इस तरह के वो कौन से दो इस तरह के बहुत नेगेटिव इमोशंस हैं जिसकी वजह से हम वो पॉइजन क्रिएट करते हैं और हम अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर सकते, हमेशा में अपसेट रहते हैं. आपको क्या लगता है कि वो कौन से दो थॉट हैं? सोचिए आप. तो वो दो थॉट हैं एंगर एंड फियर. अब आपसे मैं बात करूँगी कि यदि आपने एंगर को होल्ड करके रखा है तो आपकी बिहेवियर कैसा होगा. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. इम्पेशेंट होंगे, इरिटेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्रिटिसिज्म होगा, रिजेंटमेंट होगी, जेलसी होगी, बिटरनेस होगा. यदि आप इस तरह का बिहेवियर करते हैं, यू हैव टू फिगर आउट यू हैव सम काइंड ऑफ एंगर. और यदि आपने फियर को होल्ड करके रखा है तो आप क्या क्या फील करते हैं? आप टेंशन में रहते होंगे, एंग्जाइटी होगी बहुत ज़्यादा, वरी बहुत करते होंगे, हर एक चीज़ में डाउट करते होंगे, इनसिक्योरिटी होगी, फीलिंग नॉट गुड एनफ, अनवर्थी फील करते होंगे. इस तरह की इस तरह आपने दो तरह के इमोशन को होल्ड करके रखा है, इसकी वजह से आप इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करते. तो यदि आप इसको रिलीज कर देंगे तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी. सबसे पहले यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा एंगर मैंने पकड़ के रखा है, वो थॉट जो फियर मैंने होल्ड करके रखा है, इसकी वजह से मैं इस तरह का बिहेवियर कर रहा हूँ. तो इसको रिलीज करने के लिए यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस. आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आर यू विलिंग टू रिलीज दोज थॉट्स? आर यू विलिंग टू रिलीज दोज थॉट? सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आर यू विलिंग टू रिप्लेस दोज थॉट विद पॉजिटिव अफर्मेशन एंड इनकंटेशन? यू हैव टू आस्क दिस काइंड क्वेश्चन. यदि आपको अंदर से पता चल जाएगा कि मैं रेडी हूँ रिप्लेस करने के लिए और स्टिल आई विल होल्ड दिस, मैं इस पेन को होल्ड करके रखना चाहता हूँ, तो आस्क दिस काइंड क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि आप इसको रिलीज कैसे कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव अफर्मेशन और इनकंटेशन से रिप्लेस कैसे कर सकते हैं इस नेगेटिव थॉट को. तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे. और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर विद योर लव्ड वन एंड अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.